सहनिया वजीराबाद की जेआईटी पर मुबैना मुलजिम नवीद के वकील का तहफ़ुज़ात का इजहार। एडवोकेट मियाद दाऊद कहते हैं कि जेआईटी ने जमान पार्क में जाकर मर्जी की रिपोर्ट तैयार की। मुलजिम का कातिल इमरान खान का गार्ड था। इमरान खान के गार्ड को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया। वाकये की FIR दर्ज नहीं होती, जेआईटी बना दी जाती है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, स्कूलों में छुट्टियां मजीद एक हफ्ता बढ़ाने पर गौर। छुट्टियां 9 जनवरी से 15 जनवरी तक बढ़ाने का इम्कान। बच्चों के वालदैन का भी एक हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा। धुंध में इजाफा, चोरी की वारदातें भी बढ़ गई। मेट्रो बस के ट्रैक पर एक और चोरी की वारदात। रावी रोड स्टेशन से बैटरियां चोरी कर दी गई। इससे कबल कुर्तबा चौक स्टेशन से भी बैटरियां चोरी हो चुकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दर्जाबंदी कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड सारिफ को ही सस्ती अशिया मिलेंगी। आम सारिफ मार्केट रेट पर खरीदारी कर सकेगा। BISP के रजिस्टर्ड सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में मिलेगा। आम सारिफ को 648 रुपये का मिलेगा। मीनार पाकिस्तान में टिकटॉकर खातून से बदसलूकी केस में बड़ी पेशरफ्त। मुदैया आयशा टिकटॉकर ने अदालत में पेशी के लिए सिक्योरिटी मांग ली। जान को खतरा है, सिक्योरिटी दी जाए। दरख्वास्त में मौकफ। एडिशनल सेशन जज इशरत अब्बास ने केस पर समाअत की। और इम्पोर्टेड हुकूमत मुश्किल फैसले करने का मैंडेट नहीं रखती। सीनियर सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल की PDM पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि मौशी बदहाली ने इम्पोर्टेड सरकार की नाअहली साबित कर दी। आवाम का एतमाद रखने वाली हुकूमत ही मुश्किल फैसले कर सकती है।